श्री बिलाल अहमद मागरे, विशेष पुलिस अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री बिलाल अहमद मागरे बारामूला में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 20 अगस्त 2019 को बारामूला के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं एक आतंकवादी को निरस्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः वो राष्ट्रहित में शहीद हो गए। श्री बिलाल अहमद मागरे ने अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम। श्री बिलाल अहमद मागरे, विशेष पुलिस अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री बिलाल अहमद मागरे बारामूला में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 20 अगस्त 2019 को बारामूला के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं एक आतंकवादी को निरस्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः वो राष्ट्रहित में शहीद हो गए। श्री बिलाल अहमद मागरे ने अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम।